हेलो गाइस, कोई भी एयरलाइंस या कोई भी बिजनेस जब नया स्टार्ट हो रहा हो और उस बिजनेस को चलाने के लिए या उसमें काम करने के लिए एक्सपीरियंस्ड बंदे मिल जाए, भर भर के एक्सपीरियंस्ड बंदे मिल जाए, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड बंदे मिल जाए जूनियर लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक, तो जरा सोचो उस कंपनी का क्या होगा। वो कंपनी क्या ग्रोथ करेगा या ग्रोथ नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है कंपनी ग्रोथ करेगा, बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस्ड बंदे मिल गए हैं। तो गाइस, ऐसा ही कुछ हो रहा है जेट एयरवेज के साथ। तो जेट एयरवेज के साथ आज का ये न्यूज क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव न्यूज है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? आप अगर एयरलाइन में आना चाहते हो, एयरपोर्ट में आना चाहते हो, एविएशन में जॉब करना चाहते हो, अगर आप एक एविएशन एस्पिरेंट हो, एविएशन लवर हो, तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर जेट एयरवेज के साथ क्या गुड न्यूज निकल के सामने आ रहा है, क्या कुछ ऐसा लेटेस्ट न्यूज निकल के सामने आ रहा है। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो और इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड, एनी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड सैलरी से रिलेटेड आपको वीडियो देखना में इंटरेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लेकर उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको नोटिफाई करता है कि मेरा वीडियो रिलीज हो चुका है और आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, जेट एयरवेज से रिलेटेड मैं बहुत टाइम बाद इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग कंटिन्यूअसली पूछ भी रहे थे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे कि भाई आप जेट एयरवेज से रिलेटेड अपडेट दो, अभी क्या चल रहा है, वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट दो कि क्या जेट एयरवेज हायरिंग कर रही है या क्या कुछ अपडेट है आप वो दो। तो आज मैं हाजिर हो चुका हूँ आपके सामने जेट एयरवेज का बहुत ही कमाल का अपडेट लेकर। तो गाइस, अगर आप जेट एयरवेज का अपडेट पहली बार देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको भी जानकारी हो जाए कि जेट एयरवेज का क्या चल रहा है और जेट एयरवेज कितना प्रोग्रेस कर रहा है, जेट एयरवेज में कहाँ तक प्रोसेस आगे बढ़ा है ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जेट एयरवेज 2019 में ड्यू टू बैंक करप्सी एंड फ्रॉड की वजह से, फंड ना होने की वजह से जेट एयरवेज को बंद कर दिया गया था। उसके बाद जेट एयरवेज स्ट्रगल कर रही थी, लगातार स्ट्रगल कर रही थी वापस आने के लिए, लेकिन फाइनली 2021 में उसको एनओसी मिला और बहुत सारे प्रोसीजर्स करने के बाद जेट एयरवेज का फाइनली टेस्ट फ्लाइट हुआ, प्रूविंग फ्लाइट हुआ, और उसके बाद जेट एयरवेज को एओपी दे दिया गया, एयर ऑपरेटर परमिट दे दिया गया। और ये एक सर्टिफिकेट होता है, एक लाइसेंस होता है कि कोई भी एयरलाइंस जो अपना कमर्शियल ऑपरेशन है उसको स्टार्ट कर सकती है। बट गाइज, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या कुछ अपडेट था, मैंने बहुत सारे अपडेट्स दिया है। तो उसके बाद अपडेट ये था कि जितने भी सीनियर मैनेजमेंट के पर्सनल थे, सीनियर मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज थे, उनका वैकेंसीज चल रहा था, तो धीरे 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 उनका वैकेंसीज आउट हो रहा था। बट गाइस, अगर सोर्सेज की माने तो ये बताया जा रहा है अभी सीनियर मैनेजमेंट का जितना वैकेंसीज लेना था वो जेट एयरवेज ले चुकी है। अब जेट एयरवेज जो है वो जूनियर लेवल पे फोकस करने वाली है, यानी कि केबिन क्रू, टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, पायलट, और इन लेवल में वैकेंसीज निकालने वाली है जेट एयरवेज। तो आप लोग प्लीज रेडी रहना। और गाइज, एक इससे भी इम्पोर्टेंट एक न्यूज ये है कि जेट एयरवेज में बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि जो ऑलरेडी जेट एयरवेज को सर्व कर चुके थे हायर मैनेजमेंट पे, बहुत जब जेट एयरवेज ऑपरेशन में थी, उसके बाद वो ज्वाइन किए गो एयर और गो एयर से फिर वापस जेट एयरवेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा नॉलेज है कोई भी एयरलाइंस को रन करने के लिए। और गाइज, अगर सोर्सेज की माने तो जेट एयरवेज जो है वो सितंबर 2022 तक अपना ऑपरेशन भी स्टार्ट कर सकता है, तो ये काफी गुड न्यूज है।